हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है आप लोग सब अच्छे होंगे। हमारे जो भी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें हमारा नमस्कार। आप सबका स्वागत है ट्रिपल सी ट्यूटोरियल ऑनलाइन ज्ञान में। चलिए अब हम लोग मैथ्स को जो पढ़ रहे थे, मैथ्स की कड़ी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्लास 10th के मैथ्स को जो पढ़ रहे थे उस कड़ी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 4। चैप्टर 4 का 4.1, 4.2 पढ़ चुके थे। 4.3 में भी बहुत ज़्यादा लगभग क्वेश्चन बना चुके थे हम लोग। 3 नंबर तक बना चुके थे, 4 से आगे बढ़ेंगे। चलिए उसको सॉल्यूशन करते हैं। नंबर 4 का क्वेश्चन है आपका, उसको लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, इसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रहमान की आयु ज्ञात करनी है। तो आपका जो है क्लास 10th का मैथ है, क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट है, ठीक है? क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ है और इसमें से हम लोग चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका था, 4। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि रहमान कि आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, पहले देखिए, और वर्तमान आयु ज्ञात करना है। क्वेश्चन कह रहा है उसकी वर्तमान आयु, मतलब उसकी क्या, रहमान की वर्तमान आयु। माना कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर, माना कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर, वर्तमान आयु बराबर, रहमान की वर्तमान आयु बराबर कितना है? अब कुछ मान लेते हैं क्योंकि आगे पीछे का पूछा जा रहा है। एक्स वर्ष, रहमान की वर्तमान आयु को क्या मान लिए? एक्स वर्ष। अब कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व मतलब आज से पहले का। यदि आपकी उम्र आज 14 साल है, 14 वर्ष है, तो आज से 3 वर्ष पहले कितना था? 11 वर्ष। तो इसका मतलब क्या, माइनस कर दिया जाएगा। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान की आयु, रहमान की आयु बराबर, तो x-3 वर्ष। क्यों x-3 वर्ष? क्योंकि 3 वर्ष पहले की बात है। फिर क्या कहा जा रहा है? फिर 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पश्चात मतलब बाद, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु बराबर, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु बराबर, रहमान की आयु अभी 3 वर्ष है, एक्स वर्ष है, 3 वर्ष पहले कितना था? एक्स में 3 कम, तो 5 वर्ष बाद की बात होगी, तो क्या होगा? x+5 वर्ष, x+5 वर्ष, यह हो गई रहमान की आयु। तो रहमान की आयु कितना हो गया? 5 वर्ष बाद इतना। अब इसका व्युत्क्रम, प्रश्न से व्युत्क्रम मतलब क्या हो गया? जैसे अब को देख लीजिए, 5 है, 5 में नहीं कुछ तो बाय 1 होता है, और इसका व्युत्क्रम पूछा जाए, व्युत्क्रम पूछा जाए अगर, तो क्या हो जाएगा? 1/5। अगर यहाँ नहीं भी कुछ होता तो व्युत्क्रम 1/5 ही होगा। क्यों? क्योंकि नहीं कुछ तो बाय 1 तो रहता ही रहता है। उसी प्रकार प्रश्न से व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब कितना, x-3/1 होता है, तो व्युत्क्रम इसका कितना, 1/x-3। तो प्रश्न से चलते हैं हम लोग प्रश्न पे। प्रश्न में क्या कह जा रहा है? इसका व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग मतलब x1/x-3+1/x+5 इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 1/3 हो जाता है। व्युत्क्रम का योग 1/3 हो जाता है। तो आपको यह बताना है कि रहमान की आयु क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोनों प्लस में है, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम क्या होगा? x-3 × x+5 इज इक्वल टू, इधर 1/3 तो 3 है, x-3 × x+5 को इससे डिवाइड करेंगे, तो x-3 क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या? x+5 को मल्टीप्लाई 1 से, x+5 को 1 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा? x+5 x-3 x+5 को इससे डिवाइड करेंगे, तो x+5 कट जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, बचेगा क्या? x-3, x-3 को मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब x-3 को गुना करेंगे 1 से, तो क्या बचेगा? x-3
थ्री ही बचेगा। और यहाँ पे क्या बचा, 1/3। अब ये देखिए प्लस में है तो प्लस करेंगे, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में है मतलब गुना में है तो गुना करेंगे। चलिए आगे करते हैं। अगर हम लोग यहाँ लिखेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस फाइव प्लस एक्स माइनस थ्री लिख सकते हैं, एक्स प्लस फाइव प्लस एक्स माइनस थ्री लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस फाइव प्लस एक्स माइनस थ्री लिख लिए। अब एक्स गुना एक्स, एक्स का स्क्वायर, एक्स गुना पांच प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस है यहाँ भी प्लस ही होगा, 5x प्लस माइनस माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इतना हो गया। अब देख लीजिए यहाँ x x कितना हो जाता है 2x, ये प्लस में ये माइनस में तो कितना हो जाएगा प्लस 2 बाय एक्स का स्क्वायर, प्लस में से माइनस चले जाएगा तो क्या बचेगा प्लस 2x और माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3 1/3। अब क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो आइए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू क्या, अब इसको यहाँ इससे मल्टीप्लाई इतना हो गया, इसको 3 टू जा 6 मतलब 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6 इतना हो गया। अब जो आप उधर प्लस में इधर आके माइनस में क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर ये देख लीजिए यहाँ पे 15, अब 6x अब प्लस 2x ये दोनों x में तो माइनस कितना हो जाएगा 4x, 6 में से 4 चला जाए 2 चला जाएगा 4 बचेगा, माइनस 15 माइनस 6 तो माइनस 21x नहीं 21 0। अब देख लीजिए इसको यहाँ पे, अब इसको क्या करेंगे द्विघात समीकरण के मानक रूप में रखने पर, समीकरण को मानक रूप में रखने पर, मानक रूप में रखने पर जो बच्चे पिछली वीडियोस को नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दूंगा, वहां से जरूर देख लें। और चैनल पे जाकर और भी जितने क्लास के वीडियो है, प्लेलिस्ट बना हुआ है 10th क्लास के नाम से, वहां जाके जरूर देख लें, क्योंकि पिछले वीडियो देखने के बाद ही आगे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर नहीं देख पाए तो वहां जरूर देख लें, नहीं तो उतना फायदा नहीं मिल पाएगा जितना फायदा आप लोग चाहते हैं और मैं चाहता हूं आप लोगों के लिए, इसलिए पिछली वीडियोज को जरूर जाकर आप चैनल में देख लें, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें, क्योंकि ये चीजों को मैंने इन चीजों को पहले बता दिया है, इसलिए फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ। तो समीकरण को मानक रूप में रखने पर, मानक रूप में मतलब कि समीकरण को किस रूप में रखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 4, सी इज इक्वल टू माइनस 21। अब इसको क्या करना है द्विघाती सूत्र से मूल बराबर, क्या सूत्र से, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से मूल बराबर, मूल द्विघाती सूत्र से डायरेक्ट लिखिए, द्विघाती सूत्र से मूल मतलब x बराबर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब इस फॉर्मूले पे हम लोगों को बैठाना है, इस फॉर्मूले पे बैठाने के लिए क्या करेंगे, माइनस बी तो माइनस बी, माइनस बी, बी के जगह पे हमारा माइनस फोर है, तो एक माइनस फॉर्मूला से एक माइनस फोर है प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी क्या क्या है माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर, अब माइनस फोर ए सी, माइनस फोर ए सी, फोर इंटू वन, ए के जगह पे 1, सी के जगह पे माइनस 21, माइनस 21। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ये एक्स इक्वल टू है 2a, 2 मल्टीप्लाई बाई ए का मान कितना है 1, तो 1 से रख दिए। अब चलते हैं आगे हम लोग, तो यहाँ पे कितना हो जाता है आपका प्लस माइनस माइनस प्लस 4 हो जाता है, अब प्लस माइनस 4 4 जा 16 मतलब 4 चौके 16, 4 चौके 16 अब माइनस माइनस प्लस 21 चौके 84, 21 चौके 84 अब बटे कितना 2 एकम 2 बराबर कितना होता है 4 प्लस माइनस 16 और 84 100 रूट अंडर 100, रूट अंडर 100 बटे 2 तो 4 प्लस माइनस 10 बटे 2। अब देख लीजिए 4 प्लस माइनस एक रूट अंडर 100 का वर्गमूल कितना 10 बटे 2, तो ये अब देख लीजिए एक बार यह प्लस में है एक बार यह किस में है माइनस में,
अब जब एक्स बराबर 4 + 10/2 होगा तो 10 × 4 कितना होगा, 14/2 कट कर कितना आ जाएगा 7, प्लस में आ गया। फिर जब एक्स बराबर माइनस में होना चाहिए, 4 - 10 होगा, 4 - 10 होगा बटे 2 कितना होगा, -6/2 कट कर कितना हो जाएगा -3। उम्र कभी ऋणात्मक नहीं होता, जो बच्चे जन्म ले चुके हैं अब उसकी उम्र आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, हमेशा प्लस ही होता जाएगा, कभी माइनस होगा नहीं होगा, तो इसलिए उम्र कभी ऋणात्मक नहीं होगा, तो ये वाला नहीं चलेगा, मतलब -3 नहीं चलेगा। तो यहां लिखना पड़ेगा उम्र कभी ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब माइनस में नहीं होता है, लिखा हुआ ऋणात्मक, उम्र कभी ऋणात्मक नहीं होती होती, इसलिए x बराबर 7, अतः रहमान की आयु बराबर, रहमान की आयु बराबर 7 वर्ष। देखिए बच्चों, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, मुझे उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो यह हो गया आपका 3 नंबर 4 नंबर का सवाल कंप्लीट। फिर अगली वीडियोज में जो भी पीछे की वीडियोज है उसको जरूर देखें, लेकिन अगले वीडियोज में फिर मैं अगले सवाल के साथ आपके पास आता हूँ, आपसे मिलता हूँ। चैनल में जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो पुराने लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं उन्हें हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे, आपके लाइफ में कहीं भी काम दे, लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ाई में लगे रहें, आगे बढ़ते रहें और इस चैनल पे बने रहें।